इबो क्रोन करते हुए सोचने लगा कि वो क्या कहे। उसने अभी तक इस बारे में सोचा भी नहीं था, पर उसे कुछ ना कुछ ऐसा काम बताना पड़ेगा जिससे जानगो को उस पर शक ना हो, साथ ही उसका जवाब सटीक भी लगे। तो उसने कहा, मैं डांस। इबो की बात शाहजहां समझ गया। उसने लिप्स प्रेस करके नोट किया और पूछा, तो मतलब तुम परफॉर्मेंस करते हो या फिर सिखाते हो? अभी वो अपने स्ट्रीट डांस प्रोड्यूस 101 के बारे में सोचने लगा। फिर उसने कहा, वो मतलब दोनों भी, वो अभी भी उस शार्प स्टिंगिंग पेन से संवरने की कोशिश कर रहा था जो लगातार उसके पैरों से उठ रहा था। शाहजहां ने पूछा, किस तरह का डांस? इवो ने कहा, हिप हॉप, लाइक स्ट्रीट डांस। ओह, शाहजहां ये कहकर कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, और तुम मज़े के लिए क्या करते हो, मतलब टैटू बनाने के अलावा? इस पर इबो हंस दिया। शाहजहां का ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल का था, पर अंदर ही अंदर उसे थोड़ा सा हर्ट महसूस हुआ, क्योंकि शाहजहां उसके बारे में ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड नहीं था, ना ही वो इबो के डांस के बारे में पूछ रहा था। वेल, कभी न कभी वो उसे अच्छे से बताएगा, इस बारे में भी बातचीत होगी। इबो अब आगे कहने लगा, ओ फन के लिए, मैं एक बाइक राइडर हूँ और मुझे स्केटबोर्डिंग भी पसंद है। इबो इसमें और भी चीज़ें ऐड करना चाहता था, पर कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से लिंक हो जाती और शाहजहां को उस पर डाउट हो जाता। तो उसने कहा, मैं मैजिक ट्रिक्स सीख रहा हूँ और मुझे लेगोस भी पसंद है। इस पर शाहजहां ने बत्ती से दिखाई, कहा, वाओ लावांग, तुम तो सच में कूल गाय हो और एक एंड्रोलाइन चंकी भी, मोटरसाइकिल, स्केटबोर्ड्स। मैं तो बाइसिकल भी नहीं चला सकता। पैर में उठ रहे दर्द के बावजूद भी इबो जोर से हंस दिया। उसने कहा, तुम सीरियस हो जानगो, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? अचानक हिलने की वजह से इबो को चोट लग सकती थी। शुक्र है शाहजहां ने तुरंत से अपने टाटू गन हटाई और उसके हिप पर हाथ रखकर उसे शांत करते हुए बोला, मैं समझ गया। और इबो भी थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। शाहजहां ने पूछा, तुम ठीक तो हो? हाँ, इबो ने कहा, आओ। तभी शाहजहां की तरफ से हल्का सा चकल आया और वो इबो को वार्निंग देते हुए बोला, उस आदमी को क्यों चुड़ा रहे हो जो तुम्हें नीडल से स्टैब कर रहा है? इबो ने कहा, ये आपने जानबूझकर किया ना सनग, आप कितने हार्टलेस हो, मैं तो आपको कितना अच्छा समझता था। ओ गॉड लावांग, मैं बुरा भी बन सकता हूँ पर क्रूएल नहीं। बुरे? इबो बुदबुदाया। अब तो मुझे आपकी बुरी साइड भी देखनी है। उसके चेहरे पर हल्का सा स्मर्क आ गया और शाहजहां के भी, पर उसने इबो की तरह तुरंत हाथ पैर मारकर इसे चैलेंज की तरह नहीं लिया। उसने इबो को शांत करते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं इसे तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक बना सकता हूँ, तो इतने भी ब्राइट मत बनो कि मैं अपने असली रंग दिखाऊँ। वो हंस दिया और वापस से नीडल बज करने लगी। शाहजहां ने कहा, मैं एक पहाड़ी लड़का हूँ और हमारे यहाँ पे इतनी बाइसिकल नहीं चलती, मुझे कभी सीखने का मौका ही नहीं मिला। इस पर इबो ने शाहजहां से माफ़ी मांगी और कहा, ये तो कितनी क्यूट बात है, इसके बाद मैं कभी जानगो को मॉक नहीं करूँगा। वो बिल्कुल सीरियसली कह रहा था। तो शाहजहां ने पाउट करते हुए कहा, मैं क्यों तुम पर भरोसा करूँ, लावांग तो मेरे लिए बहुत कूल है। इबो ने कहा, नॉनसेंस, जानगो बिल्कुल परफेक्ट है। वो मुस्कराया और चेहरे पर थोड़ी सी शर्माहट भी आ गई, जैसे ये जवाब उसने पूरे दिल से दिया हो। शाहजहां ने कहा, तुम बहुत नॉटी हो रहे हो। इबो मुस्कराया। तभी उसे फिर से एक दर्द की लहर झेलनी पड़ी। उसने कहा, तो जानगो अपने स्पेयर टाइम में क्या करते हैं? शाहजहां ने कहा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं, मैं काफ़ी बोरिंग पर्सन हूँ, मैं काम करता हूँ और घर जाता हूँ। इबो ने कहा,
नहीं, मैं इस बात पर यकीन ही नहीं कर सकता। तुम बोरिंग नहीं हो सकते, बताओ। शाहजहाँ ने कहा, मैं पेंट करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, मुझे रीडिंग भी पसंद है, रनिंग, कुकिंग, सिंगिंग। इवो के कान खड़े हो गए। उसे शाहजहाँ के बारे में एक एक हिंट मिल रही थी, मतलब वो सच में कैसा है। वो तो अब उसके बारे में और डिस्कवर करना चाहता था और साथ में अपने इंटरेस्ट भी शेयर करना चाहता था। दोनों को एक कड़ी जोड़ सकती थी सिंगिंग। इबो ने कहा, तुम गाना गाते हो, मुझे भी गाना गाना पसंद है। वैसे तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? शाहजहाँ एक पल के लिए शांत हुआ, फिर मुस्कुरा कर बोला, स्टेफनी सन, वो मेरी फेवरेट है। साथ में मुझे इशाव, नाइंग, ये सब भी पसंद है, पर मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनता रहता हूँ। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई और वो इवो की तरफ देखते हुए बोला, देखो हंसना मत, पर मैं बिटर लव सॉन्ग्स पसंद करता हूँ। इवो ने कहा, मैं भी बिटर लव सॉन्ग्स पसंद करता हूँ, मेरा फेवरेट है नन्हाई। इससे ज़्यादा सैड सॉन्ग तो मैंने आज तक नहीं देखा। तो शाहजहाँ ने कहा, हाँ वो तो सैड सॉन्ग्स पे नंबर वन पे रहता है। तो इवो ने पूछा, तो आपका फेवरेट कौन सा है? शाहजहाँ ने कहा, शायद केपलर, स्टेफनी सन का ही। ओह, ये तो मुझे भी पसंद है, इवो ने कहा। तभी उसके दिमाग में एक बहुत क्रेजी आइडिया आया। उसने कहा, हे, आप इसे मेरे लिए गाते क्यों नहीं? क्या? शाहजहाँ चौंक गया। तुम उसे गाने के लिए कह रहे हो? इवो ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, प्लीज़ जान गाओ, मेरे लिए गाओ ना, मैं सच में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। शाहजहाँ ने कहा, हैश इबो, आर यू इवन ह्यूमन? क्या नॉनसेंस कह रहे हो? इबो ने कहा, आई एम सीरियस जान गाओ, प्लीज़ गाओ ना। शाहजहाँ ने आंखें छोटी करके इबो की तरफ देखा, कहीं वो उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा। फिर बोला, ठीक है मैं गाता हूँ, बट प्लीज़ कायदे से रहना। वो मुस्कराया और वापस से अपने टाटू गन हाथ में लेकर बोला, हंसना मत। इवो ने कहा, वादा करता हूँ। अब शाहजहाँ ने गाना शुरू किया। वैसे तो इवो ने खुद बेग किया था शाहजहाँ को गाने के लिए, ये सोचते हुए कि उसकी आवाज़ इतनी प्यारी है तो गाते वक्त भी ऐसी ही होगी। पर जो वो सुन रहा था उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था। शाहजहाँ की आवाज़ बिल्कुल प्योर थी, उसके बदन में जैसे एक सूदिंग सेंसेशन फैल रहा था। हर नोट के साथ इबो का दिल सुकून की सांसें ले रहा था, और जब आखिरी नोट ख़त्म हुआ इबो बिल्कुल साइलेंट था, जैसे उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। एक पल के लिए तो उसे बुरा लगा कि वो अकेले यहाँ सुन रहा है, ये आवाज़ तो बहुत बड़ी ऑडियंस की तारीफ के काबिल है। फिर दूसरे ही पल वो इतना सेल्फिश होना चाहता था कि इस आवाज़ को वो बस अपने लिए संजो कर रखना चाहता था। इबो की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो शाहजहाँ ने सर झुकाते हुए कहा, सॉरी मेरी प्रैक्टिस छूट गई है, मतलब नहीं। इबो प्रोटेस्ट कर रहा बोला, ये तो अमेजिंग था, इतना ब्यूटीफुल कि मैं तो दंग दंग ही रह गया। मेरी मानो तो ये स्टेफनी सन से भी अच्छा था। आया, शाहजहाँ ने आंखें रोल करते हुए कहा, लावा इतना भी मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इबो ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ जानगा। वो एक्साइटेड होता हुआ बोला, सच बताना जानगा, क्या आपने कभी स्टेज किया है? अरे नहीं, मैं तो बस बाथरूम सिंगर हूँ, शाहजहाँ हंसते हुए बोला। अब तो इबो इमेजिन करने लगा, शावर के नीचे भीगा हुआ शाहजहाँ ऐसे गाना गाते हुए। तभी शाहजहाँ बोला, कभी कभी मैं खाना बनाते हुए भी गाता हूँ। व्हाट अ वेस्ट, इबो बुदबुदाया, तुम्हें तो स्टेज पर होना चाहिए न कि घर पर। सन का इतना हैंडसम है, इतना अच्छा गाना गाते हैं, आप तो आइडल बन सकते हो। इबो को लग रहा था उसकी इस बात पर शाहजहाँ हंसेगा, उसे कुछ ऐसी बात बोलेगा जिससे उनकी बातचीत आगे बढ़ती रही। पर अचानक से शाहजहाँ ने आंखें झुका ली, अपने काम पर फोकस किया और बुदबुदाया,
मैं अडल क्यों बनना चाहूँगा? ईवो के सपने तो सारे टूट कर चकनाचूर हो गए, क्योंकि जान की बात पर वो आगे कहने ही वाला था, मैं भी अडल हूँ जान का। पर ये शब्द उसके जबान पर आते आते रुक गए। तभी उनका शेड्यूल्ड काम पूरा हुआ। शाहजहाँ ने टाटूवन ऑफ की और उसे साइड में रख दिया, इससे पहले कि वो शाहजहाँ को एक्सप्लेन करता कि वो कौन है, उसके लिए क्या फील करता है। इससे पहले ही टाइम ख़त्म हो गया। वो इतने टाइम से साथ है, फिर भी ईवो अपने जमार पर यह बात नहीं ला पाया कि वो क्या है। वो अपनी आइडेंटिटी भी खुलकर नहीं बता पा रहा था। शाहजहाँ ने चुपचाप ईवो का टैटू कवर किया। उसे इस बार ईवो को केयर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं थी। पर पॉइंट ये नहीं था, शाहजहाँ की चुप्पी ईवो को कुछ अलग सी लग रही थी। वो इस बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। शाहजहाँ के चेहरे पर जो भाव आए थे, ईवो उन्हें समझ नहीं पा रहा था। जैसे उसे इस सबसे नफरत हो। ईवो तो उसे शेयर करना चाहता था, वो एक आइडल है और आइडल होना कितना अच्छा लगता है। पर अब शायद से समय आ गया था कि वो अंधेरे से निकल कर आए, सामने से इस चीज़ को फेस करे, शाहजहाँ को बताए कि वो कौन है, और बस इस उम्मीद में ना रहे कि फ्यूचर में उनका कुछ हो सकता है। अगर चांस है तो उसे अभी लेना चाहिए, ये वो सोच रहा था। पर इससे पहले कि वो शाहजहाँ से कुछ बोले, वो वहाँ से चला गया था। ये वो फिर से सोचने लगा कि वो रिसेप्शन एरिया में जाकर शाहजहाँ से इस बारे में बात करेगा, इससे पहले कि वो गुड बाय बोले। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उन दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई। और ईवो खुद को कोसने लगा, मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ? मुझे सामने से बात करनी चाहिए थी। अब तो मुझे अगले हफ्ते तक इंतज़ार करना पड़ेगा और सब कुछ ऐसे ही लटकता रह जाएगा। उसे उम्मीद तो थी कि जिस दिन से उसने शाहजहाँ को देखा है, शाहजहाँ ने ईवो की किसी भी बात को मना नहीं किया है, तो ईवो अभी भी उम्मीद रख सकता है। खासकर जब तक उसने पूछा ही नहीं, तब तक तो उसके अंदर उम्मीद जिंदा है। पर अब उसे एक और ही चिंता सताई जा रही थी, वो दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। और ईवो लिटरली अभी और आगे बढ़ना चाहता था। ईवो लिटरली स्टूडियो से बाहर कदम रखने ही वाला था, हाथ भी डोर फ्रेम पर था, पर तभी उसके दिल से आवाज़ आई, उसे जानना है, उसे अभी जानना है। तो वो तुरंत मुड़ा और सीधा शाहजहाँ के पास चला गया, इतना पास कि लिटरली उनमें कुछ इंचेस का फ़र्क था, बिल्कुल आमने सामने। ईवो होश में आ गया और सरप्राइज हो गया, पर दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा। अब ईवो की नज़रें शाहजहाँ के चेहरे पर घूमने लगी, उसके एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करने लगी, सीधा उसके होठों पर आकर रुक गई, उस सेक्सी मोल पर। वो उसके इतने करीब था। सनगो, ईवो बोला, मैं पर उसकी बात ख़त्म ही नहीं हुई थी, तभी उन दोनों के होठ आपस में क्रैश कर गए, एक डेस्परेट किस में। इधर ईवो के दिमाग में बस एक रेड सिग्नल चल रहा था, I am actually kissing शाहजहाँ। ईवो का एक हाथ सीधा शाहजहाँ के नेक पर गया, दूसरा उसके बैक पर। उसने अपने हाथ कस लिए और शाहजहाँ का माउथ प्रॉपरली फील करने लगा, लिक करने लगा। वो तो उस किस में पूरी तरह से खो गया था। ये सेंसेशन, ये ओवरवेलमिंग था। शाहजहाँ उसकी बाहों में है, उसकी सांसें ईवो को अपने लिप्स पर फील हो रही है, उसके हाथ शाहजहाँ के मसल्स को ट्रेस कर रहे थे, यहाँ तक कि उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसके पैर जवाब दे गए हैं। शाहजहाँ की हाइट की वजह से वो अभी भी टिका हुआ था, कहीं ना कहीं खुद को वल्नरेबल महसूस कर रहा था, जैसे वो इस टॉलर मैन के स्ट्रॉन्ग आर्म्स में बिल्कुल सिक्योर है। ईवो ने अपना बैलेंस बनाने के लिए अपना हाथ शाहजहाँ के पीठ पर घुमाया, सीधा नीचे, उसके मसल्स को फील करते हुए उसने अपना किस कंटिन्यू रखा।
वो यहाँ था अपने क्रश की बाहों में, ये थ्रिल, ये युवक को नेक्स्ट लेवल का पंच दे रहा था। तभी शाहजहान का हाथ उसके कमर पर गया जहाँ पर अभी अभी इंक किया गया था, और इबो ने एक गहरी सांस ली हल्के से शौक से और हल्के से एक्चुअल पेन की वजह से। शाहजहाँ ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी। ब्लिंक करते हुए इबो पीछे हटा, ठीक से खड़ा हुआ। शाहजहाँ ने कहा, ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तभी इबो हंस दिया, हाँ हाँ ये मेरी गलती थी, कहते हुए इबो अगले किसके लिए आगे बढ़ा। पर शाहजहाँ ने उसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए उसे रोका, उसे थोड़ी सी दूरी बनाते हुए कहा, तुम्हें जाना है ना। वो स्पिल टूट गया जिसने दोनों को बांध रखा था। इबो तो पूरा ब्लैंक हो चुका था, समझ ही नहीं पा रहा था कि शाहजहाँ क्या कह रहा है। क्या वो बताया, शाहजहाँ ने कहा, काम पर तुम्हारे पास टाइम नहीं था इसलिए तो तुम सेशन कंप्लीट नहीं कर पाए। ओ ओ इबो बताया, फिर सीधे खड़े हुआ और अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा, हाँ सही है। शाहजहाँ के चेहरे पर भी एक प्यारी स्माइल आ गई। उसने आगे बोलने के लिए मुंह खोला ही था तभी उसका फ़ोन बजा। सॉरी, उसने फ़ोन निकालते हुए कहा और इबो की तरफ अपोलॉजिकली देखते हुए कहा, एक सेकेंड। हाँ श्योर, इबो की तरफ से ऑटोमेटिक जवाब गया। फिर उसने अपने कपड़ों पर नज़र डाली, वो सही हालत में तो है ना। इधर शाहजहाँ कॉल पर था, उसने कहा, लिंको हाय, क्या आप एक सेकेंड होल्ड करोगे, मैं बस क्लाइंट को भेज रहा हूँ। क्लाइंट, इबो अचानक से चौंक गया फिर खुद को स्कोल्ड करने लगा, ये कैसा रिएक्शन हुआ। शाहजहाँ अपने बॉस से तो यही कहेगा ना। तभी शाहजहाँ से बोला, आई एम सॉरी इबो, मुझे एक कॉल लेना पड़ेगा, लिंगा आज ही माउंटेन से नीचे आया है, पता नहीं उनसे फिर कब बात हो पाएगी, पर तुम, इबो ने नोट किया, हाँ हाँ बिल्कुल आप जाइए, पर मैं इस हफ्ते जब फ्री होऊंगा तो आपसे बात करूंगा, ठीक है, बाकी बातें हम मैसेज पर डिस्कस करेंगे। इबो खुद को क्लाइंट समझते हुए जवाब देने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छे, शाहजहाँ ने जवाब दिया। एक ऑकवर्ड मोमेंट उन दोनों के बीच में, दोनों भी समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे को बाय कैसे बोले या फिर आगे क्या बात करें, और पता नहीं इसके बाद कब मुलाकात होगी। तो इबो खुद ही आगे बढ़ा, उसने शाहजहाँ के नेक पर हाथ रखा, उसे अपने पास खींच लिया और उसके गाल पर किस किया, ये सोचते हुए कि शाहजहाँ को वो दोबारा देखने जा रहा है। उसके होठों पर उसने अपने होठ रखे और कहा, मैं जल्द वापस आऊँगा, इंतज़ार करना। तो शाहजहाँ ने भी जेंटल स्माइल के साथ कहा, कौन, तुम्हें देर हो रही है। वैसे इबो जाना तो नहीं चाहता था पर उसे जाना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।